कितना पढ़ाई किए हुए हैं आप? जी अभी हम ग्रेजुएशन में हैं। ग्रेजुएशन में है। जो लोग नए हैं, जो लोग नए इस क्षेत्र में आते हैं, मशीन को लगाते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती होंगी। हमको इसलिए अच्छा लगा कि मतलब हम पढ़ाई करने के बाद ही काम कर सकते हैं, और हमको टाइम ना मिला, फिर मेरे फैमिली भी काम करके कुछ मतलब अपना नॉर्मली जो घर को चलाने की स्थिति मतलब सुधार सकता है। अच्छा, दो नंबर का जाली है? दो नंबर का। दो नंबर का जाली पे कैसा आया देख सकते हैं, क्वालिटी बारीक तो बहुत ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हम अपने चैनल पे लगातार आपको ऐसे वीडियोस दिखाते रहते हैं कि छोटे से छोटे पूंजी इन्वेस्ट करके भी आप अगर पार्ट टाइम करना चाहे काम तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम को फुल टाइम बनाना चाहे तो आप वहां तक भी तय कर सकते हैं दूरी। और इसी दूरी को तय करने के लिए एक नए सफर की शुरुआत में निकले हैं वैशाली जिले के ही अनुभव कुमार जी। अनुभव कुमार जी से ही हम जानेंगे एक छोटी सी मशीन लगा करके ये कैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ एक अपना नया रोजगार जनरेट किया है और आगे बढ़ने की कैसे ये अपना लक्ष्य विजन बनाए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, सारी जानकारी देते हैं। अनुभव जी कैसे हैं? जी बढ़िया है, नमस्ते। नमस्ते। आप ये मशीन लगाए हुए हैं, पहले बताइए इस मशीन के बारे में कैसे जानकारी आपको मिली? मतलब नॉर्मली हमको जानकारी इस मशीन के बारे में यूट्यूब के जरिए से मिला। यूट्यूब के जरिए? यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब के जरिए तो सारा कुछ लोगों को मानना होता है कि फेक रहता है, सही नहीं रहता? नहीं तो फेक मतलब मानना रहता है, बाकी फिर भी हम जाके दुकान से जानकारी प्राप्त किए। आपको लगा कि जानकारी प्राप्त करना चाहिए, करना सही चीज है? हाँ हाँ, हमको लगा तो हम जानकारी प्राप्त किए, उसके बाद समझे फिर इसको परचेस किए। आप पढ़े लिखे हैं कि अभी कितना पढ़ाई किए हुए आप? जी अभी हम ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में है तो आप पढ़े लिखे जो भी युवा लोग है अभी आ रहे हैं वो सब इन सब क्षेत्रों में नहीं आना चाहते हैं, आपका कैसे में लगा कि नहीं यही बढ़िया है, यही हम पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं बढ़िया? जी मतलब हमको इसलिए अच्छा लगा कि मतलब हम पढ़ाई करने के बाद ही काम कर सकते हैं, और हमको टाइम ना मिला, फिर मेरे फैमिली भी काम करके कुछ मतलब अपना नॉर्मली जो घर को चलाने की स्थिति मतलब सुधार सकता है। मतलब एक ऐसा काम कि हम अगर ना रहे घर पे, अवेलेबल ना रहे तो घर के बाकी सदस्य दूसरे भी लोग भी इसको कर सकते हैं आसानी से, इसलिए आपको ये अच्छा लगा? हाँ इसलिए हमको अच्छा लगा। इसमें क्या क्या चीजें आप अभी कर रहे हैं इस मशीन से? जी वही मतलब गेहूं का पिसाई और बेसन पिसाई और सत्तू का और जो भैंस के चारा होता है मतलब दाना बनाना। हाँ बस इतना कुछ बना रहे हैं। 5 HP का मशीन है? 5 HP का मशीन। प्रोडक्शन कितना? प्रोडक्शन वही घंटे का। हाँ जैसे मतलब अगर वोल्टेज बढ़िया रह रहा है तो 40 किलो मतलब 40-42 के आसपास में मतलब हो जाता है, 45 किलो तक हो जाता है। 45 किलो तक। हाँ। अगर वोल्टेज सही रहा तो फिर और अच्छा आएगा। और अच्छा आएगा। प्रोडक्शन जो आप इतना निकालते हैं कितने नंबर जाली का इस्तेमाल करते हैं? दो नंबर। दो नंबर? दो नंबर भी बहुत बारीक हो जाता है। बहुत बारीक है। दो नंबर का खाया भी नहीं, वो तो मैदा की तरह मैदा की तरह हो जाता है। उससे थोड़ा और मोटा निकालिए और ज्यादा प्रोडक्शन भी निकलेगा। हाँ हाँ। और खाने लायक भी रहेगा। चोकर युक्त रहता है इसमें? चोकर अलग निकलता है कि साथ में निकलता है? नहीं मतलब चोकर नहीं निकलता है। नहीं मतलब पूरा अथी हो जाता है। जो अनाज का न्यूट्रिशन रहता है वो बेसिकली चोकर में ही रहता है। अगर आप पत्थर वाली का खाते हैं तो उसका चोकर अलग हो जाता है, उसको चालना पड़ता है घर पे, या फिर अगर आप किसी पैकेट वाला आटा खाते हैं तो उसमें ऑलरेडी चाल करके चोकर सेपरेट करके आपको मिलता है। इस मशीन में आपको यही बेनिफिट है कि आपको चोकर अलग नहीं होगा, वो आपके आटे में ही मिला हुआ रहेगा, मिक्स रहेगा, तो वो एक बेनिफिट होता है खाने वाले के लिए। जो लोग पिसवा करके लेके जाते हैं उनसे फीडबैक कभी लिए हैं कि कैसा आटा आ रहा है? हाँ, लिए हैं तो सब मतलब बढ़िया ही बोलते हैं, बस कोई कोई व्यक्ति होता है जो मतलब बोलते हैं कि इससे थोड़ा मोटा हमको चाहिए, मोटा चाहिए। हाँ, और मतलब अधिकांश व्यक्ति पतला यही इतना बड़ी मतलब सही लोगों को पसंद है। हाँ। और मोटा करने के लिए आपको जाली थोड़ा सा और मोटा लेना? हाँ जाली। हाँ जो फिर आपको वो परेशानी तो नहीं होती होगी, मान लीजिए कोई पतला कह रहा है कोई मोटा कह रहा है? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है पत्थर वाले में कि वो टाइट करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, क्या सिस्टम है इसमें? बस जाली चेंज कीजिए और उसके बाद मतलब जाली चेंज करना कितना मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ। रोज का पिसाई कितना भी हो जाता हो? लमसम वही 1 से 1.5 क्विंटल के आसपास में। 1 से 1.5 क्विंटल नया ही मतलब अभी स्टार्ट हुआ। कितना नया? वही मतलब 15 से 20 दिन वही आसपास। 15 से 20 दिन? हाँ बस। और 1.5 क्विंटल के आसपास इतना हो जाता है, मतलब एक पार्ट टाइम के तौर पर कह सकते हैं बढ़िया काम है। हाँ बहुत बढ़िया काम। और बिजली का स्पेशल कोई कनेक्शन लिया है या फिर घर का बिजली से चलता है? जैसी तो है सिंगल फेज, मतलब इसका जो मतलब थोड़ा वोल्टेज का प्रॉब्लम होता था इसलिए हम अलग से कनेक्शन लिया। अच्छा, बाकी अगर ये घर के बिजली पे भी चलाना चाहे तो चल ही जाएगा? हाँ चल जाएगा, बाकी वोल्टेज का थोड़ा इफेक्ट रहता है, वोल्टेज का इशू रहता है। जहाँ वोल्टेज का समस्या नहीं है, जहाँ पे सही बिजली की व्यवस्था है वहाँ पे चलाया जा सकता है। बहुत छोटे से जगह पे शुरुआत किया गया है, बहुत जगह देख सकते हैं, 6x6 का जगह होगा मुझे लगता है, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है। और जो लोग इस चिंता में रहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी जगह होगी या फिर अच्छा स्पेस होगा, अच्छी पूंजी होगी तभी शुरुआत किया जाए, तो अनुभव जी की कहानी से आप अनुभव ले सकते हैं, इनके अनुभव से आप शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस को, कि बहुत कम पूंजी में पार्ट टाइम के तौर पर पढ़े लिखे युवा हैं और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसका एक बेनिफिट इन्होंने ये बताया कि अगर ये अनुपस्थित रहे जिस दिन, उस दिन भी इनका काम नहीं रुकने वाला है, इनके परिवार से कोई और दूसरे लोग भी चला सकते हैं। अगर हम कहें कि अनुभव जी थोड़ा सा इस मशीन को चला करके दिखाइए, चला सकते हैं जी? चलाइए थोड़ा सा, कितना मुश्किल है कितना आसान है वो भी हम देख सकते हैं।
साइज तो हो गया, थोड़ा सा क्वालिटी दिखाइए अनुभव जी की, कैसा दो नंबर का जाली है? दो नंबर का जाली पे कैसा आया देख सकते, क्वालिटी बारीक तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मुझे लगता है इससे मोटा खाना चाहिए, बाकी फिर जैसा लोगों की चॉइस, जो लोग जैसा कहे वैसा पीछा करके दर्रा पीसते होंगे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता होगा। हाँ, उसका बहुत प्रोडक्शन आता, बहुत ज्यादा आ जाता होगा। दोस्तों ये मशीन नया है, नया इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब 15-20 दिन के आसपास हुआ होगा, और हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं नए कहानी, नए मशीनों की कहानी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि जो लोग नए हैं, जो लोग नए इस क्षेत्र में आते हैं मशीन को लगाते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती होंगी। आपको कोई परेशानी हुआ है? कोई परेशानी नहीं मशीन में, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई फॉल्ट नहीं है। सर्विस कैसा मिला है मशीन? सर्विस बहुत अच्छा मिला है, जैसे मतलब नया में हम लाए थे इसको तो कुछ मतलब मेरा ही गलती के कारण मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं मतलब कुछ अंदर से फसल रहा था, फिर इसको मतलब हम लेके गए तो वहाँ पे मतलब बहुत जल्दी हम मतलब ठीक आकर मिल गया, मतलब साथ साथ ही सर्विस हो गया, सर्विस मिल गया, बहुत रिस्पॉन्स मिला, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है कहानी एक युवा की, एक नए बिजनेस शुरुआत करने के पीछे क्या कारण था, यही मशीन लगाने के पीछे क्या कारण था, आपने अभी जाना। अगर आपके मन में भी सवाल है कोई या ये मशीन क्यों लगाए, तो शायद वो जवाब आपको मिल गया होगा आज की कहानी से, कि अगर अनुभव जी घर पे नहीं रहे तो कोई भी चला सकता है, या फिर आप नए हैं अगर ये सोच रहे हैं कि अब आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, कोई परेशानी होगी, तो कोई परेशानी अभी तक इनको नहीं हुई है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, मशीन लगाना चाहते हैं, तो नंबर डिस्प्ले पे आपको दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और आप मशीन को अपने घर तक आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी में कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। वीडियो कैसा लगा आज का आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, अगले वीडियो मिलता है ऐसे किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।